नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृत्य विद्या ट्यूटोरियल्स में मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देख रहे हैं खोरठा व्याकरण में खोरठा विलोम शब्द शब्द उल्टा शब्द पलट शब्द उल्टा अर्थ वाला शब्द या विपरीतार्थक शब्द या उनार्थक इन सबों का मीनिंग एक ही है उल्टा शब्द जिसको आमतौर पर कह सकते हैं उल्टा शब्द यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जे टेट की तैयारी कर, 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 कर रहे हैं या झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं वनरक्षी की तैयारी कर रहे हैं दारोगा की तैयारी कर रहे हैं मीन्स मैट्रिक और इंटर स्तरीय आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं झारखंड राज्य के लिए तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आइए देखते हैं कुछ विपरीतार्थक शब्द जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है लगभग सभी परीक्षाओं में एक अंक का ये रहता ही रहता है तो आइए देखते हैं इधर हम लोग खोरठा शब्द लिख लेते हैं इधर सीधा शब्द कह लीजिए और इधर उसका उल्टा शब्द है चोक चोक का मतलब होता है तेज जैसे चाकू चोक चाकू है तो ये तेज सेंस में है चोख तो उसका उल्टा जो होगा वो भौथर होगा कहिए हिंदी में मंद होगा बोर्ड मतलब बड़ा बोर्ड मतलब बड़ा बिग और छोट छोट मतलब छोटा हुआ डोड़का कहते हैं खोरठा में लंबा को और उसका उल्टा होता है बीतना, नाटा ढुमका टेपरा ये सभी उसका उल्टा शब्द हुआ जूड़ा जूड़ा जो है वो छांव से रिलेटेड है जूड़ा मतलब छांव, किसी पेड़ का छाँव तो जूड़ा का उल्टा होगा रौद रौद मतलब धूप ठाव मतलब पास होता है ठाव मतलब पास मतलब नजदीक तो उसका जो उल्टा होगा वो होगा दूर हेठ मतलब होता है नीचे तो उसका उल्टा होगा ऊपर हदकेक हदकेक मतलब होता है तेज से जलना जब तेज से यदि जल रहा हो तो उसको कहते हैं हदकेक और जब वो बूझ जाए तो उसको कहते हैं निझायक तो हदकेक का उल्टा हुआ निझायक और चरका चरका मतलब होता है सफ़ेद चरका मतलब एक रंग है सफ़ेद खोरठा में चरका का उल्टा जो होता है वो होता है करिया नेक्स्ट है चंदला चंदला मतलब जिसके माथे पे बाल ना हो उसको कहते हैं खोरठा में चंदला तो उस उसका उल्टा होगा चुलगर चुलगर मतलब जिसका लंबा लंबा बाल हो तो चुलगर हुआ चंदला का उल्टा चुलगर दूसरे दूसेक मतलब होता है दोष देना या तो फिर उसका आलोचना करना तो दूसरे का जो उल्टा होगा सराहेक सराहेक मतलब होता है उसका बड़ाई करना उसका उत्साहवर्धन करना सराहक तो दूसरे उल्टा सराहक कणकन कनकन -कन मतलब होता है ठंडा कणकन जैसे पानी कणकन है तब पानी मतलब कणकन मतलब ठंडा ठंडा का उल्टा हो गया गरम अलगल अलगल मतलब एक दूसरे से बिखरा हो जाना अलग अलग होना तो उसको कहते हैं अलगल तो अलगल का उल्टा जो होगा वो सटल अलगल का उल्टा सटल कुलल कुलल मतलब पूरा हो जाना कुलल मतलब पूरा हो जाना तो उसका उल्टा होगा घटल घटल मतलब घट जाना छित्रायल छित्रायल मतलब जिधर तिधर जैसे तैसे तो सैतल मतलब बढ़िया से उसको सजा करके रखना गुमन मुहा गुमन मुहा जो कम बोलता है थोड़ा चुपचाप रहता है उसको कहते हैं गुमन मुहा तो उसका उल्टा होगा फदराहा गांजल गांजल मतलब जैसे तैसे गांज देना जैसे जिधर तिधर चलना जैसे फसल में जिधर तिधर, तिधर चल दिया तो गांजल गांजल का उल्टा होगा चौपतल पुरना पुरना मतलब पुराना ओल्ड लौतन उसका उल्टा होगा लौतन नौतन या नावा तो ये सब का हिंद, इंग्लि हिंदी में इसको कहते हैं नौतन नौतन को नया तो पुरना मतलब पुराना और लौतन नौतन नावा मतलब नया जागल का उल्टा होगा सूतल जागल मतलब जगे रहना और सूतल मतलब सो जाना तो जागल का उल्टा हम लोग जानेंगे सूतल होता है ठेकान ठेकान मतलब सही जगह पर अन ठेकान मतलब जिसका ठिकाना नहीं हो जिसका निश्चित जगह नहीं हो ठेकान का उल्टा अनठिकान गोटा का गोटा मतलब होता है पूरा तो टोना मतलब होता है छोटा गोटा का उल्टा जो होगा टोना और बुधगर बुधगर मतलब चालाक, मतलब चालाक को कहते हैं खोरठा में बुधगर तो उसका उल्टा होगा बोका बोका मतलब बेकूफ तो बुधगर का उल्टा हो गया बोका पातर पातर मतलब पतला पातर का हिंदी हुआ पतला तो पातर का उल्टा जो होगा इधर हम लोग देखते हैं उल्टा शब्द उल्टा शब्द तो पातर का उल्टा होगा मोटाइल या मोटा बिहान बिहान मतलब होता है सुबह बिहान का हिंदी यदि हम लोग जाने तो होगा सुबह और सांझ का मतलब होता है शाम तो बिहान का उल्टा हो जाएगा सांझ आधा आधा का उल्टा होगा गोटे गोटे मतलब पूरा आधा का उल्टा गोटे राजी राजी मतलब रेडी हामी भर देना और राजी का उल्टा होगा नाराज और गोला गोला मतलब कहते हैं खोरठा में मालिक को मालिक को गोला भी कहते हैं तो मालिक का उल्टा होगा नौकर और नौकर को खोरठा में बोलते हैं मुनीस, ध्यान रखिएगा तो गोला का उल्टा हो जाएगा मुनीस पसरल पसरल मतलब फैला हुआ पसरल का हिंदी मीनिंग हुआ फैला हुआ तो पसरल का खोरठा में उल्टा शब्द जो होगा वो होगा सिकुरल सिकुरल मतलब सिमटा हुआ तो पसरल का उल्टा हो गया सिकुरल कोंका कोंका मतलब जो होता है नहीं बोल पाता है उसको खोरठा में बोलते हैं कोंका और कोंका का उल्टा होगा लबरा जो ज़्यादा बोलता है तो कोंका मतलब नहीं बोल सकने वाला उस नहीं नहीं और नहीं नहीं।> तो उसका उल्टा होगा लबरा और कांचल कांचल मतलब धोया हुआ कांचल मतलब धोया हुआ तो चिकट उसका उल्टा होगा कांचल का उल्टा चिकट और चिकट का मतलब हुआ गंदा कडरू कडरू कहते हैं भैंस के मेल बच्चा को कडरू कहते हैं तो उसका उल्टा होगा संढारू फीमेल बच्चा को भैंस के फीमेल बच्चा को कहते हैं संढारू चनफनिया चनफनिया मतलब होता है फुर्तीला चनफनिया का हिंदी हुआ फुर्तीला और चनफनिया का उल्टा यदि बात करें तो होता है हैजामार ही मेही, मेही मतलब होता है पतला जैसे गेहूं को मेहीं पिसाना है तो मेहीं मतलब पतला मेही का मतलब हुआ पतला तो मेही का उल्टा यदि बात करेंगे तो हो जाएगा मोटा मंगनिक मंगनिक मतलब होता है मुफ्त मंगनिक मतलब फ्री दे देना मंगनिक तो उल्टा होगा कीनल वैसा मंगनिक मतलब जो हो गया फ्री में देना किनल मतलब खरीदा हुआ कीनल का मतलब होता है खरीदा हुआ तो मंगनी का उल्टा हो गया कीनल मोरल मॉरल का उल्टा हो गया जिंदा मॉरल मतलब जिसका डेथ हो गया है डेथ जिसका हो गया उसको कहते हैं मॉरल और जिंदा जो लाइव है जो अभी जिंदा है उसको कहते हैं जिंदा तो मॉरल का उल्टा होगा जिंदा आइए नेक्स्ट देखते हैं इधर सीधा शब्द है और इधर इसका उल्टा शब्द है उल्टा शब्द देखेंगे हम लोग इधर तो टाइड टाइड कहते हैं मैदान को टाइड टाइण का हिंदी मीनिंग हुआ मैदान टाइण का जो उल्टा होगा खेत टाइण का उल्टा खेत छूछा छूछा मतलब आप समझ लीजिए कि खाली छूछा मतलब खाली तो उसका उल्टा हो गया भौरल भौरल मतलब भरा हुआ तो छूछा का उल्टा आप याद रखेंगे भरा हुआ अजवार अजवार मतलब फ्री फुर्सत में रहना फुर्सत अजवायर मतलब फुर्सत तो बाझल मतलब इंगेज बीजी है ना तो कमनिहार कमनिहार मतलब कमाने वाला कमनिहार मतलब कमाने वाला तो उसका उल्टा कामचोर नहीं कमाने वाला तो कमनिहार का उल्टा हो जाएगा कामचोर बेस बेस मतलब अच्छा होता है तो बेस का उल्टा हो गया बेड़ाइल तो बेस का उल्टा बेड़ाइल बेड़ाइल मतलब खराब बेस मतलब अच्छा कुआर कुंवर मतलब वैसा लड़का जिसका शादी ना हुआ हो कुआरा जिसको कहते हैं तो कुंवार का उल्टा होता है खोरठा में बियाहल बियाहल मतलब जिसका शादी हो गया हो बेस बेस का उल्टा बेड़ाइल और जनी जनी का मर, उल्टा होता है मरद जनी मतलब होता है ओमेन तो मरद मतलब होता है मेन मोट मोट मतलब मोटा और पातर मतलब पतला कुंबा कुंबा मतलब छोटा घर समझ लीजिए तो कुंबा का उल्टा हो गया महल बेणाइल बेणाइल का मतलब बिगड़ा हुआ तो बनल मतलब जो बना हुआ हो कांचा कांचा मतलब कच्चा जिसको कहते हैं कांचा कांचा मतलब कच्चा कच्चा जैसे आम कच्चा है तो कच्चा जो बोलेंगे तो खोरठा में उसको बोलते हैं कांचा तो कांचा का उल्टा होता है पाकल तो पाकल आम कांचा आम तो कांचा मतलब मतलब कच्चा और पाकल मतलब पका हुआ ध्यान रखेंगे इसको दमगर दमगर मतलब होता है जो थोड़ा भारी हो या तो जो, जो वजन रखता हो तो दमगर का उल्टा हो गया हल्लुक हल्लुक मतलब हल्का और दमगर मतलब भारी तो दमगर का उल्टा आप ध्यान रखेंगे हलूक आइए नेक्स्ट देखें इधर हम लोग खोरठा का उल्टा शब्द लिखते हैं इधर और इधर सीधा शब्द मान लीजिए तो इधर सीधा है और इधर उल्टा है आघायल अघायल मतलब जिसका पेट भरा हुआ हो खा करके पेट भरा हुआ हो उसको कहते हैं आघायल तो आघायल का उल्टा होता है भूखल भूखल मतलब जो जिसका पेट नहीं भरा हुआ हो तो भूखा आदमी को कहते हैं भूखल मतलब जिसका पेट भरा हुआ हो तो भूखल भूखल मतलब जिसका पेट भरा हुआ नहीं हो भूखा हुआ हो तो भूखा हो उसे भूखल कहते हैं हिम्मतगर हिम्मतगर मतलब जिसको हिम्मत है जो साहसी है उसको कहते हैं खोरठा में हिम्मतगर तो उसका उल्टा जो है वो होगा डरपोकना डरपोकना मतलब डरने वाला तो हिम्मतगर मतलब हिम्मत करने वाला साहस करने वाला और डरपोकना मतलब डरने वाला धनमन धनमन मतलब होता है अस्थिर जो इधर उधर चलते रहना इधर उधर चलना अस्थिर मतलब जो अस्थिर न हो तो उसका धनमन का जो उल्टा होता है थीर थीर मतलब अस्थिर तो औसरवा आशरव, ओसरवा मतलब होता है शुरू करना किसी चीज़ को तो औसरवा कहते हैं उसको और निघरवा ओसरवा का उल्टा होगा निंगहरवा और निंगहरवा मतलब होता है समाप्त फूलल फूलल का उल्टा होता है ओहरल कोई चीज फूल जाता है तो उसको कहते हैं फूल फूलल और जब वो फिर सामान्य स्थिति में आ जाता है तो उसको कहते हैं ओहरल जैसे कभी पैर फूल जाता है किसी का तो उसको कहते हैं फूलल और जब वो समय नहीं आ जाता है तो वो कहते हैं ओहरल उष्णा, उष्णा और अरवा जैसे उष्णा चावल और अरवा चावल उष्णा मतलब उसको उष्णा का उल्टा हो जाएगा अरवा उष्णा चावल तो उसका उल्टा हो जाता है अरवा चावल तातल तातल मतलब होता है गरम तातल का मतलब होता है गरम तो उसका उल्टा हो जाएगा कणकन कणकन मतलब हो जाएगा ठंडा तो तातल का उल्टा हो गया कणकन कलवा कलवा कहते हैं दोपहर के भोजन को दोपहर के भोजन को खोरठा में कलवा कहते हैं और रात के भोजन को कहते हैं बियारी तो कलवा मतलब हो गया आपका लंच और वो लंच और बियारी मतलब हो गया डिनर तो कलवा का उल्टा हो गया बियारी कलवा मतलब बारह बजे वाला भोजन दोपहर का भोजन बियारी मतलब रात वाला भोजन सांझ मतलब शाम सांझ का मतलब हुआ शाम तो बिहान का मतलब होता है सुबह तो आप ध्यान रखेंगे कि सांझ का उल्टा तो सांझ का उल्टा होगा बिहान झाइल झाइल मतलब होता है थोड़ा चौड़ा तो उसका उल्टा होगा खाट और खुटल खुटल मतलब होता है खुलल जैसे क्या होता है कि जानवर को हम रस्सी से बांध देते हैं तो उसको कहते हैं खुटल और जब वो खुला छोड़ देते हैं उसको खोल देते हैं तो उसको कहते हैं खुलल और लाने मतलब लानेक मतलब लाना लानेक मतलब लाना तो लेक मतलब ले जाना तो लाने का उल्टा होगा लेगेक और लेगेक उल्टा होगा आनेक मतलब ले जाना लेगेक मतलब ले जाना और आनेक मतलब ले आना तो आनेक और लानेक दोनों चलता है तो मित्रों एक सूचना है यदि आप जे टेट की तैयारी कर रहे हैं यदि आप जे टेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स आपका ईजी मैथ्स आपको भारी लग रहा हो या तो मैथ्स आपका ट्वेल्थ तक लेवल नहीं हो इंटर स्तरीय मैथ्स आपको नहीं आता हो तो मित्रों आप मैं एक मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स कह के सीरीज चालू किया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स कह कर के और उसमें आपको दो से लेकर के ट्वेल्व तक का कंसेप्ट आपको दिया जाएगा और बहुत ही बारीकी पूर्वक दिया जाएगा हर कोई समझ पाएंगे जिनका मैथ्स मजबूत है वो भी समझेंगे जिनका कमजोर है वो भी समझेंगे तो बड़ा ही इसका नाम ही रखे कि बेसिक मैथमेटिक्स आपका बेस से लेके ऊपर तक लेके जाएंगे आपको टू द पॉइंट समझाएंगे एकदम कंप्लीट आपको मैथ्स में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा तो यदि आपका मैथ्स कमज़ोर है यदि आपको लगता है कि मैथ्स मेरे लिए थोड़ा सा बाधक बाधक साबित हो सकता है तो आज ही हमें कांटेक्ट करें मेरे मोबाइल नंबर पे निन्यानबे तीन पैंतालीस छिहत्तर चार सौ दो पे ये मेरा व्हाट्सअप भी है साथ ही साथ आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं तो देर ना करें मैथ्स आज ही शुरू करें बहुत ही जल्द टेट होने वाला है तो आइए आगे देखते हैं देखिए हरवाहा हरवाहा मतलब हल चलाने वाला तो हरवाहा का उल्टा होता है रोपनी रोपनी मतलब धान को रोपने वाला तो हरवाहा का उल्टा होगा रोपनी गाय गाय का उल्टा होगा गोरू या बैल भी कह सकते हैं कुकुर कुकुर मतलब कुत्ता तो कुकुरिया मतलब कुतिया। ऐसो ऐसो मतलब इस साल ऐसो मतलब होता है इस साल करेंट साल और पौर पौर मतलब होता है अगला साल होशियार होशियार का मतलब होता है तेज बुड़बक का मतलब होता है मूर्ख नजीक मतलब होता है नजदीक नियर और दूर मतलब होता है दूर डिस्टेंस और बेसी बेसी मतलब ज्यादा बेसी मतलब ज्यादा तो उसका उल्टा होगा कम कम मतलब कम आगु आगु मतलब आगे आगु का हिंदी होगा आगे तो पाछू मतलब पीछे तो आगु का उल्टा होगा पाछू टटका टटका मतलब ताजा टटका का मीनिंग होता है ताजा तो बासी बासी मतलब बासी हो गया जो थोड़ा देर तक हो गया तुरंत बनाए तो टटका और देर हो गया तो उसको कहते हैं बासी छेगरी छेगरी मतलब गौट बकरी तो उसका उल्टा होगा बौकर बैंग बैंग का उल्टा बेंगली काड़ा काड़ा को हिंदी में भैंसा कहते हैं तो काड़ा का खोरठा काड़ी या भैंसी या भैंस मेही मेंही मतलब पतला पतला पिसना मतलब मेंही पतला मेहीं का उल्टा हो जाएगा मोटा थूम थूम मतलब चुप रहना या शांत रहना थूम का उल्टा होगा बैजका मतलब बोलना तो थूम का उल्टा आप ध्यान रखेंगे बैजका आइए आगे देखते हैं चुक्का चुक्का मतलब होता है मिट्टी का लोटा के टाइप का साइज का तो लोटा जिस तरह का होता है उसी तरह का वो भी होता है लेकिन वो मिट्टी का बना होता है तो चुक्का का उल्टा होता है घैला या चुकनी घैला मतलब घड़ा चुकनी मतलब उसी तरह का चीज तो चुक्का का चुकनी हो जाएगा या घैला हो जाएगा दोनों हो जाएगा साढ़ का उल्टा गाय साढ़ का उल्टा गाय तनी गो तनी गो मतलब छोटा सा तनी गो मतलब छोटा सा तो उसका उल्टा होगा ढीसरा मतलब बड़ा निफुट निफुट मतलब निरोग जिसको कोई रोग ना हो उसको कहते हैं खोरठा में नि निफुट और जिसको रोग हो उसको कहते हैं कारनी हदकल मतलब हदकल को लहरल भी कहते हैं हदकल मतलब जब तेज आग हो तो उसको हदकल कहते हैं या तो लहरल कहते हैं तो उसका उल्टा हो गया मिंझाइल मिंझाइल मतलब बूझल अंधार तो अंधार का उल्टा होगा इंजोर अंधार का उल्टा इंजोर होगा अंधार मतलब अंधेरा अंधार का मतलब हुआ अंधेरा और इंजोर मतलब हो गया प्रकाश तो अंधार का उल्टा अंधेरा का उल्टा प्रकाश तो अंधार का उल्टा होगा इंजोर जेठ मतलब बड़ा होता है जेठ मतलब आप ध्यान रखिएगा जेठ मतलब बड़ा तो जेठ का उल्टा होगा छोटका मतलब छोटा बड़ा भाई को जेठ कहते हैं है ना तो बड़ा को जेठ कहते हैं तो जेठ का उल्टा होगा छोटका सलगेक सलगेक मतलब आग पकड़ लेना को सलगेक कहते हैं आग पकड़ना को सलगेक कहते हैं निझाइक मतलब जब बुझ जाएगा तो उसको निझाइक कहते हैं भारी भारी मतलब भारी हैवी तो हल्लुक हल्लुक मतलब लाइट वेट को भारी मतलब भारी सामान हल्लुक मतलब हल्का सामान तो भारी का उल्टा आप जानेंगे हलूक लेढ़ा लेढ़ा मतलब टेढ़ा होता है लेढ़ा का उल्टा हो जाएगा आपका सोझ घेरल घेरल मतलब चारों तरफ घेर देना या तो बाउंड्री कर देना तो घेरल का उल्टा हो गया फांका तो घेरा का उल्टा फांका खोलल खोलल मतलब खुला हुआ लगवल मतलब लगाया हुआ तो खोलल का उल्टा लगवल और टाइड मतलब मैदान होता है हीर मतलब बढ़िया खेत होता है तो टाइड का उल्टा हो गया हीर आगे देखते हैं इधर हमारा खोरठा शब्द है और तो इधर सीधा है डाढ़ मतलब डाढ़ मतलब बड़ा होता है डाढ़ मतलब बड़ा तो उसका जो बच्चा होगा उसका उल्टा होता है चेंगा छुआ या चेंगना डैड मतलब बड़ा होता है माँ टाइप का जैसे डैड मतलब बड़ी बकरी तो उसका जो बच्चा होगा उसको कहते हैं चेंगा है ना तो डैड मतलब बड़ा तो उसका उल्टा चेंगा छुआ या चेंगना भिंजल मतलब भिंगा हुआ भिंजल को कहते हैं भिंगा हुआ तो उसका उल्टा होगा सूखल मतलब सूखा हुआ तो भिंगल का उल्टा सूखा हुआ लादा लादा मतलब होता है पेट लादा का मतलब होता है पेट तो उसका उल्टा होगा पीठ सरियावेक मतलब सजाना और उठके मतलब उसको जिधर तिधर कर देना सत्तावे सक्ताविक सत्ताविक मतलब टाइट करके बांध देना ढिलावेक मतलब उसको खोल देना तो सत्तावे का उल्टा हो गया गार गार मतलब गाढ़ा गाढ़ का मतलब हुआ गाढ़ा, तो पातर मतलब होता है पतला तो गार का उल्टा हो गया पातर ऐनिहार ऐनिहार मतलब आने वाला जयनिहार मतलब जाने वाला तो ऐनिहार का उल्टा आप जानेंगे जयनिहार निमुहिया निमुहिया मतलब जो नहीं बोलता है मुहगर मतलब बोलने वाला तो निमोहिया नहीं बोलने वाला और मुहगर मतलब बोलने वाला निमोहिया का उल्टा मुहगर चोख चोख मतलब तेज उसका उल्टा होता है भौथर टेढ़ टेढ़ मतलब टेढ़ा टेढ़ मतलब टेढ़ा और सेज सोज मतलब सीधा तो टेढ़ का उल्टा हो जाएगा टेढ़ का उल्टा सोज चढ़ान चढ़ान मतलब चढ़ाऊ चढ़ान मतलब चढ़ाओ और नमहान मतलब नमाओ चढ़ान मतलब चढ़ाओ और नम्हान मतलब नमाओ ढालू भूमि अवैया अवैया मतलब आने वाला और जवैया मतलब जाने वाला अवैया का उल्टा होगा जवैया परती परती का उल्टा होगा जोतल परती मतलब जहाँ नहीं जोता हुआ खाली भूमि और जोतल मतलब जोत दिया फसल लगाने के लिए तो परती का उल्टा होगा जोअल तो मित्रों यदि आपको जे टेट की तैयारी कर रहे हैं आप और मैथ्स आपका थोड़ा दिक्कत है मैथ्स में तो बेसिक मैथमेटिक्स आप मेरा ज्वाइन करें इसमें आपको बेस से लेकर के एकदम जीरो से लेकर के आपको ट्वेल्व लेवल तक का स्तर विद ट्रिक, आपको ट्रिक से सिखाया जाएगा ताकि आपको ता परीक्षा में आप आराम से मैथ्स को बना सकें तो ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स में तो देर ना करें जल्द ही आप कांटेक्ट करें मुझसे निन्यानवे तीन पैंतालीस छिहत्तर चार सौ दो पर आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं तो जे आने वाला है तो आप देर ना करें और जल्द ही शुरू करें खोरठा ये बेसिक मैथमेटिक्स तो मित्रों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो सभी आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिले और मित्रों अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें धन्यवाद